आपको बता दूं कि सबसे पहले कल का जो मैच होना, जो तीसरा मैच था इस बार के आईपीएल 2024 का, सबसे बेहतरीन मैच होने हुआ है, जिसमें 200 प्लस दोनों टीम ने रन बनाए हैं। और सबसे पहली बात बता देना आपको कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जहां पर सामने जो टीम थी दिग्गजों की टीम वो वहां पर मौजूद थी, कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम। क्योंकि आर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 208 रन का 7 विकेट के नुकसान पे टारगेट दिया, जो 20 ओवर में। आपको बता दें कि जहां पर पी शार्ट ने मात्र 40 बॉल खेलकर 54 रन का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। और आपको बता दें दोस्तों कि उसके बाद जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला अंद्र रशेल का, जो सबसे खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला। सब फैंस को इंतजार था भाई, 2018 और 19 के बाद ना जिस तरीके से प्रदर्शन उसका चले गया था भाई, आज इस बार के आईपीएल में उनका प्रदर्शन देखने मिला। वो फुल फॉर्म में नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 7 छक्के और 3 चौकों का बेहतरीन प्रदर्शन करने को मिला, और जिस तरीके से शॉट लगाए बेहतरीन ताकत के साथ, और आपको मालूम है कि अंद्र रसेल के पास कितना ताकत है, जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला, बेहतरीन बड़े बड़े शॉट लगाए, 102 मीटर के छक्के भी लगाए उसमें शामिल थे, 7 छक्कों में 102 मीटर के छक्के भी शामिल थे। दोस्तों बता दो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी अंद्र रसेल ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में मात्र 25 रन देकर 2 विकेट भी लिए और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 25 ओवर में 64 रन का बेहतरीन प्रदर्शन करने का मुजाहरा पेश किया। दोस्तों बता दें आपको कि जिस तरीके से अंद्र रसेल खेले हैं 2019 के बाद, सही मायने में तो फिर से कलकत्ता नाइट राइडर्स के फैंस के दिल में तमन्ना जाग चुकी है। और अंद्र रसेल को लेकर पी शार्ट और अंद्र रसेल ने बेहतरीन प्रदर्शन तो किया ही है, और उसके बाद अगर हैदराबाद की टीम से सामने से अगर बात करें तो टी नटराजन, जिन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर 32 रन मात्र दिए, बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनका यॉर्कर देखने मिला, उनका बाउंसर देखने मिला, और बेहतरीन तरीके से बॉलिंग किए और अपने टीम को बहुत आगे तक लेके गए। फिर भी जो कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम जो थी, आंद्र रसेल के योगदान की वजह से उन्होंने सीधे जा पहुंचा 208 पे 7 विकेट नुकसान पे, और टारगेट दिया उनको 208 का, ठीक है। अब हैदराबाद की टीम ने 208 नहीं बना पाई, 204 रन बना के मात्र 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में हार गए मैच मात्र 4 रनों से। यहाँ पर यह बात बता दूं आपको कि सामने वाले टीम से भी बेहतरीन तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। वहाँ पे हैंडी क्लासन, जिसको आप जानते ही हैं, बहुत ही जबरदस्त छक्के मारने में माहिर है, जिन्होंने मात्र 29 बॉल खेल के 63 रन मारा, जिसमें 7 छक्के मौजूद थे, 8 छक्के मौजूद थे, 1 छक्का तो हमने बोलना ही भूल गया जो सबसे शानदार छक्का था। वहाँ पे अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल ने भी कुछ कुछ प्रदर्शन से अपने प्रदर्शन से रन जुड़े और टीम को बहुत आगे तक लेके गए। वहाँ पे सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन वहाँ पे बॉलिंग करने पे देखने मिला तो वो था हर्षित राणा और सुनील नारायण का। हर्षित राणा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मात्र 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए, और वहीं पे सुनील नारायण ने सबसे कम रन रेट पे सबसे अच्छा बॉलिंग करने का प्रदर्शन किया, जिन्होंने मात्र 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिए। अब इससे समझिए कि आप कितने बेहतरीन प्रदर्शन सुनील नारायण किए। हाँ, जानते हैं सुनील नारायण रन आउट हो चुके थे, शहबाज ने बहुत बेहतरीन थ्रो करके उनको बोल्ड किया रन आउट में, लेकिन यहाँ पे जो बात करें इनके प्रदर्शन की, जो बेहतरीन प्रदर्शन देखने मिला, यहाँ पे कलकत्ता नाइट राइडर्स बेहतरीन तरीके से जीत चुकी है, लेकिन